रिटायर होकर कोविंद बनेंगे सोनिया गांधी के पड़ोसी। चिराग पासवान से जबरन लिया गया ये बंगला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहने नहीं आए। 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है। साफ सफाई रंग रोगन जारी है। जनपद के सबसे चर्चित और हाल में सबसे विवादित रहे इस बंगले को अलॉट तो किया गया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए, लेकिन उन्होंने इसे कभी आवास बनाया नहीं। लेकिन इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक गुजारे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से काफी विवाद के बाद यह बंगला 30 मार्च 2022 में खाली करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक बंगले की साफ सफाई के साथ साथ पेंटिंग का काम भी कुछ हिस्सों में चल रहा है। 15 जुलाई तक काम पूरा कर लिए जाने का टारगेट है। कोविंद यहाँ अपनी पत्नी के साथ 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे। कानपुर में उनके गाँव के सूत्रों के मुताबिक जनपद में शिफ्ट होने के बाद वे कुछ दिन के लिए कानपुर देहात में स्थित अपने गाँव पर खोआ भी जाने का मन बना रहे। अपने लोगों के बीच में कुछ वक्त गुजारेंगे, अपनी कुलदेवी के दर्शन करेंगे। यह टूर करीब 15-20 दिन का होगा, सूत्र ने बताया। उनके गांव के लोग उनके लिए एक कार्यक्रम भी रखना चाहते हैं। अभी यह पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि वे नए आवास में शिफ्ट होने के बाद तुरंत आएंगे या कुछ वक्त गुजारने के बाद। कोई भी सरकार रहे, उसे पूर्व राष्ट्रपति का ख्याल रखना पड़ता है। मेडिकल टीम समय समय पर उनकी जाँच करती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है। आने जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था रहती है। उनके बंगले पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।